ओमिक्रॉन जो वायरस है, जिसे तीसरी वेव मतलब तीसरी लहर के रूप में माना जा रहा है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड आज की डेट पे दर्ज किया गया पूरे देश में 140,000। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुंबई में आ चुका है कोरोना पूरी तरह से, मतलब तीसरी लहर आ चुकी है। भाई साहब, इनका नामकरण कौन करता है भाई, नाम कौन देता है? जैसे तूफानों के नाम होते थे, पहले COVID-19 आया, पहले कोरोना वैक्सीन आई, अभी ये आ गया जो ओमिक्रॉन आ चुका है भाई, तो अब इनका क्या फ़र्क पड़ेगा अदालतों पे? क्या आपके न्याय में परेशानी आ सकती है, नहीं आ सकती है? सबसे पहले तो आप सभी जो भी हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सभी की अपडेट डल चुकी है, सभी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो सभी वहाँ जाके एक बार रीड जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम कोर्टों ने वर्चुअल सुनवाई कर चुके हैं, साथ ही में अब ये प्लान बनाया भी जा रहा है कि गवाही भी अब तो ऑनलाइन ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्या वाकई कोर्ट बंद हो सकते हैं? वाकई देखिए, आज की डेट पे जो रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं इसके अनुसार देखते हुए तो मुझे लगता है कि कोर्ट वापस से बंद किए जाएंगे। स्पेशल खासकर फैमिली केसों को तो बंद कर ही दिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली केस इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे मर्डर केस, रेप केस, इनमें बेल वेल सुनवाई हो भी सकती है, लेकिन ये फैमिली केसों को तो बिल्कुल ठप कर दिया जाता जैसे पहले किया गया था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वाकई अब 15-20 तक तो सभी कोर्ट वर्चुअल पे चले गए। पहले भी 7 दिन के लिए, पहले स्टार्टिंग में जब कोर्ट बंद हुए थे वो 7 दिन के लिए हुए थे, आपको पता हो तो, लेकिन अब की बार 15 दिन के लिए ऑनलाइन ही फिजिकली को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जयपुर का भी हाईकोर्ट का भी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा अच्छे से, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी मैंने पढ़ा, दिल्ली हाईकोर्ट का भी मैंने पढ़ा, मुंबई हाईकोर्ट का भी मैंने पढ़ा, सभी में मैक्सिमम वर्चुअल में सुनवाई कर दी गई है, फिजिकली को पूरी तरह से रोक दिया गया 15 तारीख तक तो कम से कम। अब आज की रिकॉर्ड देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कोर्ट वाकई बिल्कुल बंद होने वाला है, क्योंकि जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन की, जो तीसरी लहर चल रही है, इसमें भाई काफ़ी जगत है। 10वीं तक की स्कूलें भी बंद हो चुकी है हर जगह, कर्फ्यू भी नाइट से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मैक्सिमम जगह चल रहा है आज की डेट पे। हम जहाँ भी रह रहे हैं हमारे भी कर्फ्यू चल रहा है आज की डेट पे, तो लॉकडाउन भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है। तो दिक्कत आएगी आपको साहब, आपको वापस से दिक्कत आने वाली है। अब आप 2-3 साल से पहले ही परेशान थे, पहले ही ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी फ्री होने का, तो अब ये माइंड से निकाल दीजिए कि हमको जल्दी फ्री होना है। एक ही उपाय है आपके पास जल्दी फ्री होने की, कैसे तैसे बैठ के समझौता कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है रहने के उपाय है तो दोनों साथ रहने लग जाइए, अच्छा है, नहीं तो दूर होना है तो दोनों दूर हो जाइए, एग्रीमेंट बनवा लीजिए, कोर्ट ओपन होते ही करा के फ्री हो जाइए। सबसे ऑप्शन बेस्ट यही है अगर आपको जल्दी फ्री होना है। नहीं होना है तो भाई टेंशन लेना बंद कर दीजिए, आराम से इंजॉय कीजिए, जो कार्य कर रहे हैं अपने उस कार्य में अपना पूरा टाइम दीजिए, आराम से किसी भी टेंशन ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि देखो, पहली बात तो अभी स्टार्टिंग में आपको पता है स्कूल भी बंद होती जा रही, मॉल बंद होते जा रहे, नाइट कर्फ्यू लगता जा रहा है, बिहार में भी लगा है नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में भी लग रहा है, MP में भी लग रहा है, तो हर जगह लगता जा रहा है धीरे धीरे। तो अभी से एक बात तो समझ में आ चुकी है, ये सिग्नल तो आपको मिल चुका होगा कि भाई कोर्ट परमानेंट बंद भी हो सकते हैं, और स्पेशल कोर्ट बंद भी ना होते, मान लीजिए जो नॉन कॉग्निबल संज्ञेय अपराध है उनकी सुनवाई हो सकती है, मान लीजिए उनकी बेल की सबकी हो सकती है, लेकिन फैमिली केसों को तो पक्का 101% की बंदी करेंगे। पहले भी यही हुआ था कि फैमिली केसों को सबसे पहले बंद किया जाता है, क्योंकि इनकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है इनको कोर्ट में, ठीक है, एक पर्सनल मैटर होते हैं हस्बैंड वाइफ का, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और कोर्ट 101% मेरी उम्मीद के अनुसार जो पहले हुआ था उसके अनुसार अगर चल रहा है, वाकई ऐसा ही प्रोसेसिंग होगा तो पक्का कोर्ट बंद होने वाला है आपका भी। अभी आपकी 22 भी कोर्ट बंद के चक्कर में निकलेगी, इसी वजह से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब टॉपिक को स्टार्ट करने में कोई फ़ायदा है नहीं लॉ से रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि कम से कम कोशिश करें जब कोर्ट प्रॉपरली वापस से चलने स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम अपन स्टार्ट भी कर देंगे। इस वजह से इन्जॉय कीजिए आराम से, किसी भी टेंशन को फिर